हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजीव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फुटहिल्स एकेडमी। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of charges state that total charge of a system is obtaining by adding algebraically all the charges present anywhere in on the system. इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज करो एक सिस्टम हम ले लेते हैं और इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो सपोज करो इसमें प्लस क्यू, प्लस टू क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू, इतने सारे से चार्जेस इस बॉडी के अंदर है। तो इस बॉडी और इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो इन सब चार्जेस के सम के इक्वल होगा। तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस क्यू, प्लस टू क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू। तो कितना हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू। थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू कैंसिल आउट, फोर क्यू। सो 4Q जो होगा वो इस सिस्टम का नेट चार्ज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक सिस्टम फिर से लिया हमने और इसके अंदर चार्जेस है माइनस क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू, प्लस सिक्स क्यू। ये जो चार्ज है ये इस सिस्टम के बाहर है। तो जब हम लोग इस सिस्टम का नेट चार्ज निकालेंगे तो इस सिस्टम का नेट चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू। इसको हम नहीं लेंगे बिकॉज ये सिस्टम के बाहर है। हमें इस सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है तो इस सिस्टम के अंदर जितने चार्जेस होंगे उनका सम हम निकालेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस फोर क्यू, प्लस फोर क्यू। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एडिटिविटी ऑफ चार्जेस समझ में आ गया होगा। Now next properties of charge is conservation of charge. Charge is always conserved. मतलब net charge present on an object is always constant and charge neither be produced nor be destroyed. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं एक example से। Suppose करो हमने एक silk cloth लिया है और एक glass rod लिया है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो जब हमने रब करने के पहले, जब ये दोनों बॉडी को रब करने के पहले जो इस सिस्टम पे जो चार्ज था, रब करने के पहले जो सिस्टम पे चार्ज था वो जीरो था, और जब रब करा हमने तो रब करने के बाद जो है इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उतना ही अमाउंट में इस सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जितना चार्ज यहां से ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में जा रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे एक्वायर करेगा सिल्क क्लॉथ। तो अगर हम फिर इसका नेट चार्ज देखें सिस्टम का, तो प्लस सपोज करो फोर चार्जेस ट्रांसफर होकर ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे चले गए तो ग्लास रॉड प्लस फोर क्यू एक्वायर कर लेगा और ये माइनस फोर क्यू एक्वायर कर लेगा। तो जो नेट चार्ज होगा आफ्टर रबिंग वो भी इक्वल टू जीरो। तो चार्ज जब दोनों बॉडी को रब करने के पहले जो नेट चार्ज था वो भी जीरो था, और रब करने के बाद भी जो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज आया वो भी जीरो है। तो दिस शोज दैट कि नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहां देख रहे हैं यह चार्ज बढ़ नहीं रहा, ना प्रोड्यूस हो रहा ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जा रहा। चार्ज जितना था उतना ही बाद में आ गया, पहले भी जीरो था रब करने के पहले, रब करने के बाद भी जीरो है। सो दिस शोज दैट चार्ज नाइदर बी कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। सो दिस इज व्हाट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge says that charge of a system is an integral multiple of basic electric charge on an electron.
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सेम वही सील क्लॉथ को अगर हम ग्लास रॉड से रब करा हमने, तो क्या होता है कि सिल्क रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब सिल्क को रब जब हमने सिल्क को ग्लास रॉड से रब करा, तो ग्लास रॉड से कुछ चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ में। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, वो एक्चुअली चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होंगे। मतलब कि या तो एक चार्ज ट्रांसफर होगा सिल्क रॉड से ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में, चाहे दो चार्जेस ट्रांसफर होंगे, चाहे तीन चार्जेस ट्रांसफर होंगे, ना कि क्यू बाई टू, ना कि थ्री बाई टू क्यू, ना कि फोर बाय फाइव क्यू, मतलब फ्रैक्शन में ये चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे। जब भी होंगे ट्रांसफर चार्ज, जब भी ट्रांसफर होंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। सो दिस इज व्हाट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मैथमेटिकली हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, मतलब जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल से ट्रांसफर होगा, ना कि फ्रैक्शनल नंबर से। सो दिस इज व्हाट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्ज अपियर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज अपियर एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाय चार्ज बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल हम एक मेटल स्फेयर लेते हैं, अनचार्ज मेटल स्फेयर, और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे माउंट कर देते हैं। ये मेटल स्फेयर है, ये मेटल स्फेयर है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर इस बॉडी पे कोई चार्ज अपियर होगा तो फ्लो ना कर जाए। इंसुलेटिंग स्टैंड इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। सो दिस इज व्हाट इंसुलेटिंग स्टैंड। इस मेटल स्फेयर के सामने, इस अनचार्ज्ड मेटल स्फेयर के सामने हम एक चार्ज्ड ग्लास रॉड लेके आएंगे। हमें पता है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब हम इस अनचार्ज्ड मेटल स्फेयर के सामने लेके आएंगे तो होगा क्या कि इस मेटल स्फेयर पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनचार्ज्ड है, इस पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस ग्लास रॉड के फेस के नियर बाय आ जाएंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रॉड पे है उसके उसके पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन के चलते इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करके फार्दर एंड पे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इसमें चार्ज इंड्यूस हो गया है, बट अभी ये बॉडी जो है चार्ज हुआ नहीं है, क्योंकि अभी इस पूरे सिस्टम में देखो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है। तो हम करेंगे क्या कि हम इस एंड को अर्थ कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग करने से होगा क्या कि इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन था वो जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और मतलब पॉजिटिव चार्ज सारे ग्राउंडिंग हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, और इस बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो हम इसको अर्थिंग को भी हटा लेंगे और इस ग्लास रॉड को भी हटा लेंगे। तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो बचा था इस मेटल स्फीयर पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये हमारा चार्ज, हमारा मेटल जो है वो चार्ज्ड हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर इस अनचार्ज बॉडी में मैंने इसको सामने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया था तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ था। सिमिलरली अगर हम किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के सामने लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सपोज करो इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज होता है, जब फ्लैनल के साथ हम रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम इसके सामने लेके आएंगे, इस मेटल स्फीयर के सामने, दिस इज इबोनाइट रॉड, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमने इस फेस को ग्राउंडिंग किया तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ इस बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और यह ग्रेनाइट रॉड और अर्थिंग दोनों हम हटा लेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यह हमारा मेटल स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी बॉडी को, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हम उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। कॉन्टैक्ट में लाने से होगा क्या कि वो अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगा। जैसे सपोज करो एक हमने पेपर रोल लिया है। पेपर रोल एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर को पेंसिल के साथ रोल कर देंगे। पेंसिल के साथ रोल करने से वो कुछ ऐसा शेप ले लेगा। और इस पेपर रोल को हम सिल्क रॉड के, सिल्क थ्रेड के साथ हैंग कर देंगे। ये हमने पेपर रोल को हैंग कर दिया। ये पेपर रोल हमारा अनचार्ज्ड है। सेम हम फिर ग्लास रॉड को जो कि पॉजिटिवली चार्ज था उसको इससे टच कराएंगे। तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, टच करने से होगा क्या कि ये पेपर रोल भी जो है वो भी चार्ज हो जाएगा। तो हम इस बॉडी को जब इस अनचार्ज बॉडी से, ग्लास रॉड को, चार्ज ग्लास रॉड को जब इस अनचार्ज बॉडी से टच कराया तो इस ये अनचार्ज बॉडी हमारा चार्ज हो गया। तो हमें इसको चेक करने के लिए करेंगे क्या कि इसको हटा लेंगे और फिर जब दोबारा ग्लास रॉड को इसके सामने लेके आएंगे बिना टच किए हुए तो ये देखना कि ये रिपेल करेगा, इधर इधर डाइवर्ट करेगा चाहे इधर डाइवर्ट करेगा। ये पेपर रोल जो है ये हमारा रिपेल करेगा, चाहे किसी इबोनाइट रॉड को लेके आएंगे, नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। दिस इज इबोनाइट रॉड। सो सिंपल सा चीज ये है कि कंडक्शन भी चार्जिंग का एक मेथड होता है, बट किसी दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट पे लाने पे अगर वो बॉडी चार्ज हो रहा है तो दैट इज चार्ज, दैट मेथड इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट बिना कॉन्टैक्ट में लाने से अगर कोई दो बॉडी आपस में चार्ज हो जा रहा है, कोई एक अनचार्ज बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ चार्ज हो जा रहा है बिना कॉन्टैक्ट में लाए हुए, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो आई होप आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।